हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो आप सभी के लिए। राधे राधे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस लौकी के कोफ्ते चटपटे मसालेदार। सो गाइस, लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने एक लौकी ली है और एक कटोरी बेसन लिया है। तो गाइस, नए हैं अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस, बेसन को पहले अलग रख देंगे और लौकी के लिए पहले कद्दूकस कर लेंगे कोफ्ता बनाने के लिए। तो गाइस, मैंने छिलनी ली है लौकी छीलने के लिए और इसको लौकी को छील लेंगे इस तरीके से। तो गाइस, लौकी को छील लिया है, अब इसको धो लेंगे। तो गाइस, लौकी के लिए धो लिया है, अब कद्दूकस लेंगे। कद्दूकस से लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो गाइस, इस तरीके से कद्दूकस ले लेंगे छोटा वाला और इससे लौकी को पूरा कद्दूकस कर लेंगे। मिलते हैं गाइस कद्दूकस करने के बाद। सो गाइस, लौकी के लिए कद्दूकस कर लिया है। इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे तो इस तरीके से लच्छे लच्छे निकल आएंगे। तो ये लच्छे बन के तैयार हो गए हैं। इसमें डालेंगे गाइस हर बारीक कटी हुई हरी मिर्च और जो मैंने एक कटोरी बेसन लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो बेसन को एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा बचा लिया है मैंने, तो आधी कटोरी से समथिंग ज़्यादा मैंने डाल दिया है। तो इसकी बनाएंगे पहले कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए गाइस इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, टर्मेरिक पाउडर आधा टीस्पून से कम, एक चुटकी गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा ग्लास पानी ले लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी तो पानी का इस्तेमाल करना है, ऑलरेडी अगर नहीं पड़ती है तो पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो गाइस, लौकी में पानी थोड़ा क्वांटिटी कम है लौकी में, तो इसमें थोड़ा सा पानी को ऐड करना पड़ेगा। अगर पानी में लौकी में पानी रहता है तो पानी को थोड़ा सा कम ही डालने, इसलिए नहीं तो गीले हो जाएंगे। तो गाइस, मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते पकौड़ी। तो गाइस, अगर कोफ्ता बनाना है तो इस तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं। सबसे पहले वाली वीडियो में देखेंगे तो गोल वाले बनते हैं। ये मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो पकौड़ी बनाने के लिए इसका पेस्ट तैयार करना पड़ेगा। थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड कर लेंगे। क्योंकि लौकी में पानी होता है और ये पानी छोड़ता है, तो इसलिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है। बिल्कुल बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरीके से पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको फेंट लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं पेस्ट तैयार हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, इसको बनाएंगे लौकी के कोफ्ते पकौड़ी वाले। ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे कड़वा तेल, ऑयल गर्म हो चुका है और गर्म होने के बाद जो मैंने पेस्ट तैयार किया था लौकी और बेसन मसाले का, तो इसको इस तरीके से फेंट लेंगे। एक ही राउंड में फेंटना है। और इसके बनाएंगे कोफ्ते। तो गैस इस तरीके से ऑयल को गर्म करने के बाद ही इसमें डालिएगा। गैस को मैंने हाई फ्लेम पर रखा है। ये पकौड़ी वाले कोफ्ते हैं गाइस, तो किसी भी एंगल में आप बना सकते हैं। जगह फुल हो चुकी है और इसको एकदम से नहीं पलटना है, अभी थकने देंगे, फिर इसको पलटेंगे, इसकी दिशा चेंज कर देंगे।
बीच में जो सबसे पहले मैंने पकौड़ी डाली थी वो सिक चुकी है, इसको इस तरीके से पलट देंगे। एक कांटा ले लेंगे और कांटे से इसको पलट देंगे। जो सिकती जाएगी उसको इस तरीके से एक एक करके पकौड़ियों को पलट देंगे। इसकी गाइस लौकी की पकौड़ी भी बहुत टेस्टी लगती है, आप कोफ्ते भी बनाने और पकौड़ी भी खा सकते हैं, चटनी के साथ खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है लौकी की पकौड़ी। तो इसको गाइस आप लौकी की पकौड़ी भी कह सकते हैं, और इसको जब बनाएंगे तो ये कोफ्ते भी बन जाते हैं। तो ये कोफ्ते भी हैं प्लस पकौड़ी भी हैं, और इसको सूखी भी खाएं नाश्ते के साथ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो गाइस मैं सारी पकौड़ियों को बराबर इसी तरीके से पलट दूंगी। अगर आपको लगे गैस हाई टेम्परेचर पर है तो इसको लो फ्लेम पर भी कर सकते हैं, कि ऑलरेडी बेसन है और बेसन की पकौड़ियाँ बहुत जल्दी जल जाती हैं, तो इसलिए गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम पर कर दूंगी। तो देखिए सारी पकौड़ियाँ पलट चुकी हैं, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सेक लेंगे। तो गैस पकौड़ियाँ सीख के तैयार हो गई हैं, बेसन के कोफ्ते लौकी वाले इसको निकाल लेंगे। जाली वाली जल्दी में निकालेंगे ताकि ये ऑयल जिसका ये है तो निकल जाएगा, और आसानी से ज़्यादा ऑयल भी नहीं भरेगा और कम ऑयल में पकौड़ी बनके तैयार हो जाएंगे। तो गाइस ये सब बराबर सीख चुकी हैं, उनको सभी को निकाल लेंगे। इसी तरीके से गाइस और भी पकौड़ी जो हैं वो सेक लेंगे। थोड़ा सा थाली में रहने देंगे ताकि वो कोफ्ते जब बनाएंगे रसेदार सब्जी तो उसमें काम आएगा। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा छोड़ दिया है, और ये पकौड़ी इस तरीके से कोफ्ते मैंने टर्न बना लिए हैं, और कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। बस ऑलरेडी थोड़े से और रह गए हैं, इसको भी तल लेते हैं जल्दी से, और फिर बनाएंगे लौकी के कोफ्ते की सब्जी, चटपटी रसेदार। ये रही गाइस लौकी की पकौड़ी। इस तरीके से गाइस लौकी की पकौड़ी बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगती हैं, और खाने में नाश्ते के साथ भी आप ले सकते हैं। तो मैंने लिए है ये टमाटो सॉस, और इस तरीके से पकौड़ियों को लगा के इस तरीके से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है नाश्ते के साथ। तो गाइज़ आपको पकौड़ी की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, और इस तरीके से खाइएगा लौकी की पकौड़ी। तो गाइज़ अगर आप चाहें तो पकौड़ी भी खा सकते हैं, और चाहें तो अब बनाएंगे इसके लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए पकौड़ी बनके तैयार हो गई हैं, चलते हैं गैस की तरफ। लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, और मैंने गैस को ऑन कर लिया है, और इस कढ़ाई को गर्म कर रहे हैं, और इसमें ऑयल डालेंगे। जो पकौड़ी बनाते हैं वो जो ऑयल बचता है वही वाला इस्तेमाल कर लेंगे, और इसको जो पकौड़ी बनाई थी वही वाला ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आपका ऑयल भी वेस्ट नहीं होगा, और आपकी सब्जी भी चटपटी मसालेदार बन के तैयार हो जाएगी। ऑयल ऑलरेडी गर्म है ये, और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जब तक गुलाबी हो जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे। तो गाइस प्याज जो है अच्छे से गुलाबी फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून से कम टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा पानी,
चलाएंगे इसको। लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून से कम, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून से कम, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको चलाएंगे। जो थाली में मैंने बेसन छोड़ा था गाइस, उसमें पानी ऐड करेंगे और जो बेसन लगा हुआ है इस तरीके से इसको चारों तरफ लाएंगे और ये बेसन का जो घोल है पकौड़ी वाला तो वो इसमें डाल देंगे। तो इससे गाइस क्या रहेगा, एक 1 टीस्पून बेसन का घोल अगर आपका नहीं बन बचा है तो 1 टीस्पून बेसन को इस तरीके से पानी में घोल लीजिएगा और घोलने के बाद इसमें डालिएगा। तो इससे क्या रहेगा, रसा जो है आपका गाढ़ा हो जाएगा, ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और कोफ्ते भी बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रसा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो अपने मुताबिक आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसमें गाइस मैंने 2 गिलास पानी डाला है ताकि आप चावल से भी खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं कोफ्ते। अब इसमें खोल लगाएंगे, तो ये रसा मसाला परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। इसमें इंतजार है खोल आने का। अभी गाइस कोफ्ते नहीं डालिएगा, अगर डाल देंगे तो बेकार हो जाएंगे। और जब तेज में रसा खूब अच्छे से खोलने लगेगा तभी डालिएगा। तो गाइस रसे में खोल आ गई है, इस तरीके से खोलाएंगे और इसको 2-3 मिनट और खोल आने देंगे ताकि रसा जो है अच्छे से गाढ़ा हो जाए और पक जाए। तो चला देंगे, इसी तरीके से इसमें खोल लगाएंगे, गैस को हाई फ्लेम पर ही रखेंगे। इसी तरीके से गैस जब खोल आती है तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो एक खोल आ रही है और ये 5 मिनट हो चुका है खोल आते हुए। तो गैस जो मैंने कोफ्ते तैयार किए थे अब इसमें ऐड करेंगे। तो ये रहे गैस लौकी के कोफ्ते पकौड़ी वाले। तो इसको गैस एक साथ ऐसे ही नहीं डालना है, अगर ऐसे ही डाल देंगे तो ये आपके टाइट हो जाएंगे और ये खाने में सॉफ्ट नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पकौड़ियाँ तो कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इसको क्या करेंगे, हाथ से इस तरीके से दबा लेंगे। दबाने के बाद क्या रहता है कि सॉफ्ट हो जाता है, बीच में से ये कट लग जाता है और इससे पकौड़ियों में रसा भर जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं और पोला हो जाती हैं। तो गैस एक एक करके इस तरीके से डालेंगे और इसको हाथ से दबा देंगे और इस तरीके से डालेंगे। तो दबाने के बाद ही गाइस डालिएगा और बीच में ये कट लग जाता है तो ये रसा अच्छे से भर जाएगा। इसी तरीके से सारे कोफ्ते मैं डाल दूंगी। डालने के बाद इसमें गैस 1-2 खोल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा खोल लगाएंगे तो ये फैल जाएंगी पकौड़ियाँ और आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो इसमें गैस खोल आने का इंतजार करेंगे, थोड़ी सी खोल लगाएंगे फिर गैस को ऑफ कर देंगे। तो गैस पकौड़ी वाले कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं और गैस को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। इस तरीके से पकौड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तैयार हो गए और किसी बॉल में इसको सर्व कर लेंगे।
तो गाइस लौकी के कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं, मैंने सर्व कर लिए हैं और आप बता सकते हैं कि लौकी के कोफ्ते कैसे बने हैं, चटपटे मसालेदार। तो गाइस अगर आपको मेरी लौकी के कोफ्ते की वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। कम्युनिटी बॉक्स में मेरा एक नया चैनल है, उसमें मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और तो गाइस इसको आप चाहें तो रोटी से चावल से किसी भी चीज़ से आप खा सकते हैं, चाहे तो सूखे भी खा सकते हैं, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरीके से लौकी के कोफ्ते तो आप पकौड़ी आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है कि हाथ से छू रहे हैं तो ये टूट रही है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है पकौड़ी। तो गाइस इस तरीके से परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं, अगर ज़्यादा इसको छूएंगे तो इसकी टूट जाएगी। अगर इस तरीके से आप बनाइएगा लौकी के कोफ्ते की सब्जी तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।